हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, आरआर कॉलेज अलवर। आज मैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के बारे में आपको बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। अधिक वीडियो मैथमेटिक्स से रिलेटेड जानने के लिए आप इस यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं, कॉलेज मैथमेटिक्स क्लासेस यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं। यहाँ पर आप आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत सारे मैथमेटिक्स के वीडियो अपडेट होने वाले हैं। इसके लिए आप इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि आप अपडेशन के साथ वीडियो देखते रहें। सर्वप्रथम मैं कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में आपको बताऊंगा। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम एक्स प्लस आयोटा वाई के रूप में लिख सकते हैं, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। यहाँ पर एक्स और वाई वास्तविक संख्या है, आयोटा नेगेटिव संख्या का रूट है जिसको हम आयोटा कहते हैं। इस प्रकार इसको सेट के रूप में यदि हम डिफाइन करना चाहते हैं तो सी इक्वल टू, ये कार्टिशियन प्रोडक्ट है रियल नंबर का जिसको हम पेयर के रूप में लिख सकते हैं, एक्स वाई। और एक्स वाई यहाँ पर आर आर जो रियल नंबर है उनके एलिमेंट्स हैं, आयोटा यहाँ पर रूट नेगेटिव है। इसी प्रकार हम इसका ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का इस डायग्राम के माध्यम से। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये एक्स एक्सिस है आपका और ये वाई एक्सिस है। ये कोई पी पॉइंट है जिसको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में यदि हम कंसीडर करना चाहते हैं तो जेड इक्वल टू एक्स वाई ले सकते हैं। यदि पोलर कोऑर्डिनेट में कंसीडर करना चाहते हैं तो इसको आर थीटा के रूप में कंसीडर कर सकते हैं। ये कॉम्प्लेक्स नंबर कोई पॉइंट है जो कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पर इसकी दूरी जो एक्स एक्सिस से है, एक्सिस से इसकी दूरी है वाई जो कि आर साइन थीटा के बराबर होती है, ये एंगल इसका थीटा होगा। और इसकी जो वाई एक्सिस से दूरी होती है इस पॉइंट की, यानी ये जो दूरी होगी आपकी वो एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा होगा, इसके बारे में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक्स और वाई के मान मालूम होने चाहिए। यदि एक्स और वाई के मान यदि हमें दिए गए हैं तो हम आसानी से उसको ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। इसी प्रकार इसका आपका थर्ड पॉइंट है, कॉम्प्लेक्स नंबर का जो पोलर फॉर्म है वो किस प्रकार आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पोलर फॉर्म आप जानते ही हैं, आप आर और थीटा का के रूप में हम कंसीडर करते हैं किसी भी पेयर को, कॉम्प्लेक्स नंबर को। इसमें हम मापांक यदि हम कंसीडर करना चाहते हैं तो ओरिजन जो है आपका ओ से पी की जो डिस्टेंस है ये आपका मापांक कहलाता है, जो कि आर इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। और जेड का जो कोणांक है आपका थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स बाई अपॉन एक्स। यहाँ पर एक्स मैंने पहले भी बताया है कि यहाँ से मूल बिंदु से पी बिंदु की दूरी, यहाँ से एक्स एक्सिस पर दूरी हो जाएगी आपकी, वाई एक्सिस पर जो दूरी है पी बिंदु की वो आपकी वाई वैल्यू हो जाएगी। तो इस प्रकार यहाँ पर हम मापांक और कोणांक के रूप में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यदि मान लीजिए यहाँ पर वाई इक्वल टू आर साइन थीटा, एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा यदि हम कंसिडर करें तो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो पोलर फॉर्म है आपका, जेड इक्वल टू हम लिख सकते हैं एक्स प्लस आयोटा वाई, एक्स इक्वल टू यदि मान लीजिए आर कॉस थीटा है, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा है। तो इस प्रकार हम कॉम्प्लेक्स नंबर को लिख सकते हैं कि जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, जिसको हम चर घातांक के रूप में आर ई की पावर आयोटा थीटा के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी प्रकार चर घातांक के रूप में हम कंसीडर करना चाहते हैं तो जेड इक्वल टू आर ई की पावर आयोटा थीटा। तो यदि इसकी एनवी पावर एनवा पावर यदि हम कंसीडर करना चाहते हैं तो आर की पावर एन बाई टू ई की पावर आयोटा एन थीटा के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी प्रकार इसके रूट्स में हम कंसीडर कर सकते हैं, रूट्स यदि हम कंसीडर करना चाहते हैं कि मान लीजिए
कॉम्प्लेक्स नंबर के सपोज कीजिए जेड वन और जेड टू, इसके जो टू रूट्स हैं जिसके वैल्यूज़ हमें यहाँ पर गिवन है जेड वन और जेड टू, तो इनका जो प्रोडक्ट है आपका यहाँ पर जो कोणांक और मापांक के रूप में समेशन हो जाता है। तो आर वन जेड वन डॉट जेड टू को यदि हम रिप्रेजेंट करते हैं तो यहाँ पर इसको हम कंसिडर कर सकते हैं कि आर वन डॉट आर टू कॉस थीटा वन प्लस थीटा टू, इसी प्रकार प्लस आयोटा साइन थीटा वन प्लस थीटा टू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यानी यदि हम प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ पर जेड वन और जेड टू प्रोडक्ट है तो यहाँ पर एंगल का योग होगा। यदि हम डिवीजन करेंगे, डिवाइड करेंगे इन दोनों को, जेड वन अपॉन जेड टू जो कि इसके बराबर होगा। तो इस प्रकार हम इकाई के रूट्स यदि हम कंसिडर करना चाहते हैं तो इकाई के रूट्स एन व रूट्स यदि हम कंसिडर करना चाहते हैं तो इस प्रकार ये निकल के आएगा। तो कॉस 2m π अपॉन एन प्लस आयोटा साइन 2m π और दिस इज इक्वल टू होता है e की पावर 2 π अपॉन एन आयोटा, और एम यहाँ पर 0 से कंसिडर करके n-1 तक आप जा सकते हैं। इसी प्रकार यदि एन इक्वल टू मान लीजिए 1 लिया तो यहाँ पर इसके इकाई के क्यू रूट्स हो जाएंगे, इकाई के घनमूल कंसिडर कर सकते हैं। इकाई के घनमूल आप जानते ही हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर अभी हम कंसिडर करते हैं तो एन इक्वल टू 3 लेने पर इसका क्यूब क्या हो जाएगा आपका कॉस 2m π अपॉन 3। एन एन इक्वल टू 3 रखते ही यहाँ पर ये 2m π अपॉन 3 प्लस आयोटा साइन 2m π अपॉन 3 एम इक्वल टू 0, 1, 2। इस प्रकार 1 जैसा कि आप जानते हैं कि एन इक्वल टू 3 के लिए यहाँ पर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 3 रूट्स आते हैं जिनके आधार पर हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पर ओमेगा की जो वैल्यू होती है वो यहाँ पर 1-1 प्लस आयोटा √3/2, ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है -1 - iota√3/2। तो इस प्रकार यहाँ पर हम जो कंसीडर करते हैं कि 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर यहाँ पर इकाई के क्यू रूट्स होंगे, तो इस प्रकार आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। इस नेक्स्ट पॉइंट है आपका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स के अंतर्गत यदि मान लीजिए जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो जेड बार इसका एक संयुग्मी होगा जिसमें x-iota y के रूप में लिखा जा सकता है। ये जो जेड का आपका संयुग्मी कहलाएगा। यहाँ पर जेड का संयुग्मी ज्ञात करने के लिए आपको आयोटा में नेगेटिव कंसीडर करते हैं। यदि जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई कोई सम्मिश्र संख्या है तो यहाँ पर उसका बार यानी संयुग्मी x-iota बार होगा। एग्जाम्पल के तौर पर जेड इक्वल टू 1 + iota यदि हम कंसीडर करते हैं तो इसका जो संयुग्मी है आपका 1-iota होगा, यानी आयोटा का पार्ट नेगेटिव हो जाता है। इसी प्रकार इसकी जो कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिसमें यहाँ पर हम कंसीडर कर सकते हैं इसके संयुग्मी की, कि यदि संयुग्मी का संयुग्मी यानी जेड बार का बार पुनः वही संख्या प्राप्त होती है, यानी जेड बार का बार जेड के बराबर होगी। यदि हम कॉम्प्लेक्स नंबर और उस नंबर के संयुग्मी को ऐड करते हैं तो रियल नंबर का ट्वाइस प्राप्त होता है, यानी 2 real number of z। यदि माइनस करते हैं तो 2iota × imaginary number प्राप्त होता है जेड का। इसी प्रकार यदि हम दोनों को प्रोडक्ट करते हैं संयुग्मी का तो एक रियल नंबर निकल के आता है जो कि x² + y² के बराबर होता है। इसी प्रकार z1 + z2 ± यदि हम कंसीडर करते हैं तो सेपरेट संयुग्मी का भी जेड प्लस माइनस किया जा सकता है। इसी प्रकार यहाँ पर प्रोडक्ट का यदि कम्बाइंड बार लेते हैं, संयुग्मी लेते हैं तो दोनों का सेपरेट हम कंसीडर कर सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर जेड एन का बार यदि हम कंसीडर करते हैं तो वो संयुग्मी का एन कंसीडर कर सकते हैं कि जेड की पावर एन
यदि इसका बार कंसीडर करें तो जेड बार की पावर एन, यहाँ पर एन यहाँ पर नेचुरल नंबर कंसीडर कर सकते हैं, इसी प्रकार यहाँ पर डिवीजन के रूप में है। और नेक्स्ट आपका इसमें है बेसिक कंसेप्ट है, जो कि प्रोडक्ट और सबट्रैक्शन के लिए आप कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर बेसिक एलजेब्रिक ऑपरेशंस हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर पर डिफाइंड होते हैं, जो कि इस प्रकार हैं। इसमें नंबर वन है, यदि दोनों कॉम्प्लेक्स यदि बराबर होते हैं, दो कॉम्प्लेक्स मान लीजिए जेड वन और जेड टू, टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, तो यहाँ पर यदि दोनों को इक्वल करते हैं, यानी जेड वन इक्वल टू जेड टू कंसिडर करते हैं, तो इनके रियल और इमेजनरी पार्ट्स बराबर होते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार यदि हम दोनों को योग करते हैं, जेड वन प्लस जेड टू को योग करते हैं और माइनस करते हैं, तो वो करस्पॉन्डिंग जो प्लस करेंगे तो दोनों का रियल नंबर्स प्लस हो जाते हैं, और माइनस करते हैं तो दोनों के रियल नंबर आपके माइनस हो जाते हैं। इसी प्रकार इमेजनरी नंबर में भी यही प्रोसेसिंग कहलाता है। इसमें प्रोडक्ट यदि आप कंसीडर करते हैं तो यहाँ पर आप आसानी से प्रोडक्ट दे सकते हैं, ये इसका प्रोडक्ट है जेड वन जेड टू इक्वल टू, यदि हम रियल नंबर इसका निकालना चाहते हैं तो रियल नंबर एक्स वन एक्स टू माइनस वाई वन वाई टू प्लस आयोटा एक्स वन वाई टू प्लस एक्स टू वाई टू, ये आपको ध्यान रखना है। यदि दो कॉम्प्लेक्स नंबर आप कंसिडर कर रखे हैं तो उन दोनों का प्रोडक्ट एडिशन सब्ट्रैक्शन इस प्रकार आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। इसी प्रकार नेगेटिव यदि आप कॉम्प्लेक्स नंबर का लेते हैं तो दोनों का नेगेटिव आप कंसीडर कर सकते हैं, यदि माइनस जेड है आपका तो इसमें रियल और इमेजनरी पार्ट में भी नेगेटिव हो जाता है। इसी प्रकार डिवीजन यदि हम इन्वर्स लेते हैं डॉट प्रोडक्ट के लिए, तो यहाँ पर डिवीजन हम इन्वर्स निकाल सकते हैं, जैसे जेड इक्वल टू मान लीजिए जीरो के बराबर नहीं है और उसका इन्वर्स हम कंसिडर करना चाहते हैं, तो इसके लिए नेसेसरी कंडीशन होती है कि जेड आपका जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, तो इसके इन्वर्स हम कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक्स का जो रियल पार्ट है आपका, उसका इन्वर्स हो जाएगा एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और वाई का जो इन्वर्स हो जाएगा आपका माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पर ये इन्वर्स कहलाएंगे। तो यहाँ पर यदि जेड आपको दिया गया है तो वन अपॉन जेड आप आसानी से कंसीडर कर सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिए गए हैं जेड वन और जेड टू, तो उनका डिवीजन यदि हम कंसीडर करना चाहते हैं तो डिवीजन के रूप में ये क्वांटिटी आपको निकालनी पड़ती है। तो यहाँ पर डिवीजन यदि जेड वन और जेड टू निकालते हैं तो यहाँ पर ये क्वांटिटी आपके पास आएगी, तो इस प्रकार आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आपका 7th पॉइंट है, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ हैं जो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पर डिपेंड हैं। इसमें यदि एडिशन लेते हैं तो ऐड होता है, और यदि मान लीजिए मल्टीप्लिकेशन लेते हैं तो मल्टीप्लिकेशन होता है। यहाँ बाइनरी ऑपरेशन जो भी है आपका, एडिशन यदि आप यूज़ करते हैं तो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर या तीनों कॉम्प्लेक्स नंबरों के बीच में जो ऑपरेशन यूज़ करेंगे वो एडिशन करेंगे, और मल्टीप्लिकेशन यदि आप यूज़ करना चाहते हैं तो मल्टीप्लीकेशन यूज करेंगे। तो यहाँ पर मैं एडिशन के बारे में आपको बता रहा हूँ कि इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी, आपने ग्रुप में भी पढ़ा होगा ये, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि आपने ग्रुप में भी आपने इनका अध्ययन किया होगा। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि आपका यदि कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर सी में एग्जिस्ट करते हैं तो उनका योग कॉम्प्लेक्स नंबर में एग्जिस्ट करेगा, यानी जेड वन और जेड टू मान लीजिए सी के एलिमेंट हैं तो जेड वन प्लस जेड टू सी के एलिमेंट हैं। इसी प्रकार एसोसिएट प्रॉपर्टी कंसीडर करेंगे तो यहाँ पर एसोसिएट के लिए तीन एलिमेंट लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर जेड वन जेड टू जेड थ्री बिलोंग टू सी, तो विच इम्प्लाइज दीज प्रॉपर्टीज, ये एसोसिएट प्रॉपर्टी कहलाती है, क्योंकि आप जानते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन हमेशा दो एलिमेंट्स का ऑपरेट करता है। अगर यहाँ पर तीन एलिमेंट हैं तो पहले आपको दो को करना पड़ेगा, इसके बाद आप तीसरे का करेंगे, तो ये प्रॉपर्टी आपको यहाँ पर अप्लाई करनी पड़ेगी। तो इसी प्रकार एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, आप जानते हैं कि एडिटिव आइडेंटिटी जो होती है, तस्मक अवयव, वह अवयव होता है जिसको किसी भी अवयव में ऐड करने पर वही अवयव प्राप्त होता है। तो यहाँ पर एडिशन के लिए जो तस्मक अवयव होगा जीरो, यानी जेड में यदि जीरो को ऐड करते हैं तो जेड ही प्राप्त होता है, तो यानी ऐसा एलिमेंट जिसको किसी भी अवयव में जोड़ने पर वही अवयव प्राप्त होता है वो आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाता है। तो यहाँ पर जेड ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और जीरो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, जीरो यहाँ पर जीरो प्लस आयोटा जीरो हम कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर एक सुपर सेट है
सभी सेटों का, जिसको रियल नंबर के रूप में भी हम कंसीडर कर सकते हैं। इसी प्रकार एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स यानी इनवर्स एलिमेंट वह एलिमेंट होता है जिसको किसी भी अवयव में जोड़ने पर तस्मक अवयव प्राप्त होता है। अर्थात जेड को यदि मान लीजिए अब एडिशन के लिए तस्मक अवयव क्या होगा आपका, जीरो होगा। तो जीरो कब प्राप्त होगा कि जेड में किसी अवयव को जोड़ने पर यदि जीरो तस्मक अवयव प्राप्त होता है, यानी जेड में यदि माइनस जेड ऐड करेंगे तो आपका जीरो प्राप्त होगा। यानी किसी भी एलिमेंट्स में किसी अन्य एलिमेंट को जोड़ने पर यदि तस्मक अवयव प्राप्त होता है तो वे दोनों एलिमेंट एक दूसरे के इनवर्स कहलाएंगे। तो यहाँ पर आप रियल नंबर के लिए भी वही नियम वैलिड होगा और आपका कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए भी यही होगा। तो इसी प्रकार आपकी फिफ्थ प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव में क्या होता है आपका कि जेड वन प्लस जेड टू यदि मान लीजिए जेड टू प्लस जेड वन के बराबर हैं, यानी इनका क्रम चेंज करने पर, इसको क्रमबिन्न में भी कहते हैं, क्रम चेंज करने पर इसकी जो बेसिक प्रॉपर्टीज है, वैल्यूज है, उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार आपका कैंसिलेशन लॉ है आपका कि जेड जेड वन जेड टू ये एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ पर देखिए जेड वन और जेड टू दो एलिमेंट हैं, तो यहाँ पर जेड वन प्लस जेड इक्वल टू जेड टू प्लस जेड, तो यहाँ पर देखिए जेड और जेड आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये दोनों क्वांटिटी किसके बराबर हो जाएंगे आपकी, जेड वन इक्वल टू जेड टू। तो इस प्रकार आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो आज के लिए ही इतना ही सफिशियंट है। आगे के वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। मैं आपको आपको आपके सिलेबस के आधार पर बहुत सारे वीडियो मैथमेटिक्स के बनाने वाला हूँ, तो कृपया करके आप इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।